चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिला सदारत इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इजलास बारे एलानिया जारी कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और स्पेशल सेक्रेटरी को 13 अप्रैल को इंतखाबात के लिए मुकम्मल इलेक्शन प्लान पेश करने की हिदायत कर दी। फंड्स की अदम फराहमी पर वफाकी सेक्रेटरी खजाना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तलब कर लिया। उस्मान खान से तफसीला जानते हैं। उस्मान, बताइएगा इस इजलास के बारे में। जी बिल्कुल, मुल्क में जो मौजूदा सियासी सूरतेहाल है उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का एक अहम तरीन इजलास हुआ है। इजलास में ये फैसला किया गया है और हिदायत भी जारी कर दी है कि 2017 की मरदमशुमारी के तर्ज पर हल्का बंदियों के काम करने की हिदायत कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 4 माह के अंदर हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने की हिदायत की है, जबकि जो इलामिया जारी हुआ उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए सूबों से नक्शाजात और मतलूबा डेटा फराहम करने का हुक्म दे दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और स्पेशल सेक्रेटरी को 13 अप्रैल को इंतखाबात के लिए मुकम्मल इलेक्शन प्लान पेश करने की हिदायत कर दी है, जबकि पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के लिए फंड की अदम फरहमी पर तशवीश का इजहार किया गया है। फंड की अदम फरहमी पर वफाकी सेक्रेटरी खजाना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तलब कर लिया है। इनने 33 अंकों के जमीनी इंतखाब के हवाले से फैसला किया कि इंतखाबात अब 17 अप्रैल को होंगे। आम इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया।